हाय दोस्तों, मैं हूं आरिफ रजा और आप देख रहे हैं मेडिसिन एंड डिजीज टीवी। अगर आप किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर किसी दवाई के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, इस चैनल पर आप अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं या फिर किसी दवाई के बारे में पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। दोस्तों, ये मेरे चैनल पर सबसे पहला वीडियो है और आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं वो बीटाडीन गार्गल की रिव्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है बीटाडीन गार्गल। और ये मार्केटिंग ये करती है विन मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटिंग करते हैं इस दवाई का, जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है। दोस्तों, किसी भी दवाई का जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका कंपोजिशन, उसमें कौन सी दवाई प्रेजेंट है। तो दोस्तों, हम बीटाडीन गार्गल की कंपोजिशन की बात करें तो बीटाडीन गार्गल का कंपोजिशन है पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइडल गार्गल 2% वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेट बाय वॉल्यूम का मतलब वो होता है जब किसी ठोस और द्रव को मिलाकर किसी भी दवाई को बनाया जाता है, तो वहां पर लिखा जाता है वेट बाय वॉल्यूम। मतलब कि किसी तरल पदार्थ को और किसी ठोस पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है और उससे दवाई बनती है, तो उसको हम वेट बाय वॉल्यूम के नाम से भी उसको इंडिकेट करता है उसके कंपोजिशन के साथ में। तो दोस्तों, ये था बीटाडीन गार्गल का कंपोजिशन पोविडोन आयोडीन जर्मिसाइडल गार्गल 2% वेट बाय वॉल्यूम, जो कि मिंट फ्लेवर में अवेलेबल है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बीटाडीन गार्गल कौन कौन सी बीमारी में यूज हो सकता है। देखिए, बीटाडीन गार्गल आपके मुंह से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है वहां पर ये काम आने वाला है। हम धीरे धीरे बताएंगे कि आपके मुंह से रिलेटेड कौन सी बीमारी हो सकता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके मुंह से स्मेल आता है या फिर आपके मसूड़ों में सूजन आ रखा है या फिर आपको फेरिंजाइटिस हो रखा है या फिर टोन्सिलाइटिस हो रखा है, तो आप वहाँ पर बीटाडीन गार्गल को यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं जो हमने नाम लिया फेरिंजाइटिस, टोन्सिलाइटिस, जिंजिवाइटिस, पेरोरेंटाइटिस या फिर आपके माउथ अल्सर, तो इसको धीरे धीरे हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिंजाइटिस के बारे में। दोस्तों, फेरिंजाइटिस का मतलब ये होता है कि अगर आपके फेरिंग्स में, जो आपके थ्रोट का जो हिस्सा है, अगर वहाँ पर स्वेलिंग हो रखा है, तो ये बीटाडीन गार्गल वहां पर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। अगर इसके साथ 2 से 3 बार गार्गल करेंगे फेरिंजाइटिस कंडीशन में, तो आपको 1 से 2 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टोन्सिलाइटिस के बारे में। अब आप पूछेंगे, भाई टोन्सिलाइटिस क्या होता है? दोस्तों, टोन्सिलाइटिस का मतलब ये होता है अगर आपके टोन्सिल्स में, ये जो थ्रोट के ऊपर आप दो ये दिख रहा है, टोन्सिल्स में आपको अगर स्वेलिंग हो रखा है या फिर सूजन आ रखा है, तो हम उसको बोलते हैं टोन्सिलाइटिस। अब लाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग। मेडिकल टर्मिनेशन में अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, किसी भी वर्ड के पीछे अगर लाइट टाइटिस अगर लिखा रहेगा, तो हम उसको स्वेलिंग से इंडिकेट करते हैं। तो उसी तरह होता है टोन्सिलाइटिस। टोन्सिलाइटिस आपके टोन्सिल्स में स्वेलिंग आता है और आपको दर्द करता है, आपको किसी भी चीज़ को खाने में या निगलने में बहुत ही तकलीफ होती है, तो आप अगर वहाँ में उस बीमारी में, टोन्सिलाइटिस में, अगर आप बीटाडीन गार्गल 2 से 3 बार यूज़ करेंगे, तो बीटाडीन गार्गल आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है और उस बीमारी से भी, टोन्सिलाइटिस से भी, आप 2 से 3 दिन में इसको कवर कर सकते हैं, वहां से बाहर निकल सकते हैं। हम अगला वर्ड कवर करने वाले हैं जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस मतलब क्या होता है दोस्तों? हम जिंजीवाइटिस के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जिंजीवाइटिस का मतलब होता है आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होना या फिर आपके मसूड़ों में एक सूजन आ जाना, वहाँ से आपका जो दांत है उसके साइड से ब्लीडिंग होना, हम उस कंडीशन को जिंजीवाइटिस बोलते हैं। मतलब कि साफ शब्दों में बोले तो आपके मसूड़ों में स्वेलिंग या फिर सूजन आ जाना, उसको हम जिंजीवाइटिस बोलते हैं। अगर आप उस कंडीशन में बीटाडीन गार्गल को यूज़ करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके जिंजीवाइटिस को ये रिकवर करेगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये बीटाडीन गार्गल जिंजीवाइटिस को ठीक करके देगा। अब बोलते हैं दोस्तों पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस भी एक माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम है और वहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक ये आपके पेरियोडोंटाइटिस को ख़त्म करने में मदद करेगा बीटाडीन गार्गल। और एक पॉइंट और है दोस्तों, जो कि मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। अगर आप रेगुलर गुटखा खाते हैं या फिर तंबाकू चबाते हैं या फिर आप किसी भी और
तंबाकू का या फिर पान मसाला का सेवन करते हैं, उससे आपके माउथ में अल्सर हो रखा है या फिर आपके मुंह में छाले पड़ चुके हैं, तो वहाँ पर आप बीटाडीन गार्गल यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक बीटाडीन गार्गल उस कंडीशन से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा। अगर आपके मुंह में छाले हो रखे हैं किसी तंबाकू खाने की वजह से या फिर गुटखा खाने की वजह से, अगर आप 2 से 3 बार बीटाडीन गार्गल यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक वहाँ से आपको बाहर निकलने में मदद करेगा, उस डिज़ीज़ को, उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। अल्सर में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप बीटाडीन गार्गल की बात करें तो ये पोविडोन आयोडीन जो है तो उसी काम एंटीसेप्टिक अल्सर में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर 2 से 3 बार अगर आप आपके अल्सर में, मौत अल्सर में ये यूज़ करते हैं तो बीटाडीन गार्गल आपको उस बीमारी से ठीक करने में बहुत ही मदद करता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि बीटाडीन गार्गल यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों बीटाडीन गार्गल का यूज़ करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है हम वो यहाँ पर इकट्ठा कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं 2-3 बोतल बीटाडीन गार्गल है, और हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बीटाडीन गार्गल को यूज़ करने के लिए वो है पानी। आप 1 गिलास में पानी ले लें अब जब बीटाडीन गार्गल यूज़ कर रहे हो तो। बीटाडीन गार्गल देखिए आप कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि ये 2 बोतल खाली है, मैंने यूज़ कर रखा है पहले से ही और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो बीटाडीन गार्गल को यूज़ करने के लिए आप एक नया बीटाडीन गार्गल ले लें, और सबसे पहले जो काम करते हैं अपन वो बीटाडीन गार्गल के ढक्कन को खोलें। अब जो मेन पार्ट आता है बीटाडीन गार्गल को यूज़ करने के लिए वो है उसका कैप। कैप है तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अब बिना कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीटाडीन गार्गल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लो आपने बीटाडीन गार्गल 5 ml लिया, तो उतने ही अमाउंट में आपको पानी भी मिलाना पड़ेगा ताकि बीटाडीन गार्गल जो इक्वल वॉल्यूम हो सकते हैं वो पानी के साथ हो। तो अगर बीटाडीन गार्गल को अगर यूज़ करेंगे आप, तो बीटाडीन गार्गल मान लीजिए आपने बीटाडीन गार्गल 5 ml लिया, तो उतने वॉल्यूम में ही आपको पानी भी मिलाना पड़ेगा बीटाडीन गार्गल में। जैसे कि मान लें मैंने 5 ml बीटाडीन गार्गल लिया, तो मैं 5 ml उसके साथ में पानी भी मिलाऊंगा, तब आप जाके उस बीटाडीन गार्गल के साथ कुल्ली या फिर गार्गल कर सकते हैं। तो हम अभी डेमो करके दिखाऊंगा मैं कि बीटाडीन गार्गल हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये बीटाडीन गार्गल का मेजरिंग कैप है, और ये देखिए मैंने बीटाडीन गार्गल मिनिमम 5 ml लिया है मैंने बीटाडीन गार्गल। ये देख सकते हैं बीटाडीन गार्गल का मैंने 5 ml यहाँ पर ले लिया है। अब 5 ml बीटाडीन गार्गल लेने के बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हम करने वाले हैं बीटाडीन गार्गल कि जितना हमने बीटाडीन गार्गल लिया उतने ही अमाउंट में हम पानी मिला दिया। देख सकते हैं बीटाडीन गार्गल थोड़ा 10 ml 5 ml से ज़्यादा था, तो मैंने ये 14 ml पर हो गया है। तो बीटाडीन गार्गल जितना लिया मैंने उतना पानी मिला। अब पानी मिलाने के बाद इसको हम अगला स्टेप ये करेंगे कि अपने ये मुंह में पोर करेंगे, अपने मुंह में डालेंगे। मुंह में डालने के बाद आप इसको 30 सेकेंड तक लगभग अच्छी तरह से कुल्ली करें। जैसे कुल्ली तो नहीं कह सकते हैं, हम मुंह में इसको रख के घुमाएं चारों बगल ऐसे ऐसे करके, जैसे कि आप कुल्ली करते समय करते हैं। अगर आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप अपना मुंडी उठा के ऐसे बीटाडीन गार्गल के साथ, जैसे पानी के साथ गगारा करते हैं, आप इस बीटाडीन गार्गल के साथ गगारा कर सकते हैं, और 30 सेकेंड के बाद ये आप फेंक दें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीटाडीन गार्गल करने के बाद क्या करना है। तो दोस्तों बीटाडीन गार्गल करने के बाद आपको लगभग 30 मिनट तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अगर आप 30 मिनट तक कुछ नहीं खाएंगे कुछ नहीं पिएंगे तो इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बीटाडीन गार्गल करने के बाद फौरन ही कुछ खा लेते हैं पी लेते हैं तो इसका इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो बीटाडीन गार्गल करने के बाद लगभग तक 30 मिनट तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि बीटाडीन गार्गल का साइड इफेक्ट क्या है। तो अभी तक दोस्तों बीटाडीन गार्गल के लिए कोई भी साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि बीटाडीन गार्गल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए सेफ है, आप इसके साथ 2 से 3 बार गार्गल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीटाडीन गार्गल के अवेलेबिलिटी के बारे में। तो बीटाडीन गार्गल आपके हर नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे, आपके घर के पास जो मेडिकल है वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा आपको बीटाडीन गार्गल। वहाँ पर आप सिंपली परचेज कर सकते हैं और बीटाडीन गार्गल को आप यूज़ ले सकते हैं। तो यूजुअली इसके लिए तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, मगर आप वैसे भी खरीद सकते हैं बीटाडीन गार्गल को आप किसी भी मेडिकल से।